हेलो मॉमीज़, कैसे हो आप लोग। मैं स्वाति, वेलकम इन माय चैनल इंडियन मॉम की प्रेगनेंसी। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रेगनेंसी प्लानिंग, प्रेगनेंसी जो कि लेडीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है या आधी अधूरी जानकारी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए हर चीज़। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगी इसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बात है वो है हमारा प्रेगनेंसी को लेके माइंडसेट। ठीक है, सबसे पहले अपना माइंडसेट कीजिए, क्योंकि इसमें मूड भी स्विंग होता है, इसमें फिजिकली भी आपको पता है बहुत चेंजेस आते हैं। जो बन चुके हैं उनको पता होगा, जो बनने वाली हैं वो सुन लीजिए आप। सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें आपकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, इसमें आपका माइंड भी बहुत, मेंटली भी आप बहुत चेंजेस आते रहते हैं। मूड स्विंग हो जाते हैं, कभी भी एकदम लड़ाई हो जाती है, कभी भी गुस्सा आते हैं, कभी भी आप स्वीट हो जाते हैं। तो ये इसमें हार्मोन्स चेंज की वजह से होते हैं। ठीक है, ये तो खैर मजाक की बात है, बट आपको मेंटली और फिजिकली आपको मतलब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप के लिए कि हाँ भाई ऐसे चेंजेस आएंगे। तो आप मदर वो जो उस टाइम का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसको आप इन्जॉय कर पाओगे। ठीक है, प्रेगनेंसी प्लानिंग होता है क्या है कि अपने आप फैमिली को आप बढ़ा रहे हो, लेकिन बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि मदर भी हेल्दी रहे और आपका बेबी भी हेल्दी रहे। ओके, इसी चीज़ को प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग से बेनिफिट क्या होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं प्लानिंग से। देखो वो तो ये तो प्रेगनेंसी है, किसी भी फील्ड में आप किसी भी चीज़ के बारे में प्लानिंग से करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये होती है, इसमें लेडीज़ को ये पता होना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले कि आपकी सही एज क्या है प्रेगनेंसी के लिए। किसी किसी की कम एज में प्रेगनेंसी होती है, किसी किसी की आफ्टर 30 होती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी की सही एज क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 30 के बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप प्लानिंग करके करते हो तो इसमें आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप प्लान कर रहे हो तो आप सेविंग भी करना शुरू करोगे, आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं आप उनसे भी आप सेविंग करना शुरू करोगे, आप अपने खर्चे जो हैं एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं आप उनको बैलेंस करोगे, तो वो आपके फ्यूचर के लिए आपको ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है कि जैसे किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम बीमारी होती है, लाइक डायबिटीज़ होती है, किसी को बीपी का इश्यू होता है लेडीज़ को, किसी को आप हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको वो पता होता है तो आप उसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हो, है ना। आपका टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप भी हेल्दी और आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि अगर मदर ही ठीक नहीं रहेगी तो बेबी कैसे हेल्दी हो जाएगा, है ना। और एक चीज़ ये होता है कि आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप सही से खाना नहीं खाओगे, सही से प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो डॉक्टर आपको एज अ दवाई की तरह आपको वो चीज़ आपको देंगे। आपको पता है लेडीज़ में ब्लड की थोड़ी कमी रहती है, शुरू से ही वो रहती है, क्योंकि पीरियड्स वगैरह होते हैं तो लेडीज़ को ब्लड की कमी रहती है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको जैसे चुकंदर है, अनार है, गुड़चना होता है, उससे भी आपका ब्लड काफ़ी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें आप पहले से ही लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई पिल्स वगैरह खा रहे हो जैसे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो आप उनको बंद कर दीजिएगा। ओके, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई वैसे सीरियस प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप पिल्स अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना प्रेगनेंसी में थोड़ा पिल्स वगैरह मतलब नहीं खाते ज़्यादा, क्योंकि बच्चे पर उसका बुरा असर होता है। ठीक है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप ठीक होंगी, आप मेंटली ठीक होंगी, आप मेंटली फिट होंगी, मेंटली आप पता होगा तो आप उस चीज़ को इंजॉय करेंगे। मैंने क्या होता है, जिनको नहीं पता होता चिड़चिड़ हो जाती हैं लेडीज़ें, क्योंकि आधे अधूरी इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है उनके साथ, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इस पर लगातार वीडियो बना रही हूँ तो इन्हीं सब टॉपिक पे, क्योंकि आधे लोग हैं मेरे कुछ नोन हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबके लिए ये हेल्प की जाए, सबको मतलब पता चले एटलीस्ट ही प्रेगनेंसी में होता है क्या है। बाकी आगे की जो मैं वीडियो हुए हैं वो मैं बनाती रहूँगी, इस टॉपिक में मैं और वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो अभी अभी आते देखिए मैं आगे और बनाऊँगी। ठीक है, तब तक के थैंक यू, बाय, टेक केयर।